मान्यवर सभापति महोदय धारा 377 अंतर्गत एक अत्यंत लोक कल्याणकारी विषय रे आलोचना करने आपण मते सुजोग देथवारु मु आपण रे कृतज्ञता ज्ञापन करछि। ईस्ट कोस्ट कैनाल नौन को दुर्भिक्ष समय रे ओडिशा और बंगलार दूरवर्ती ग्राम मानक खाद्य शस्य और अन्यान्य पदार्थ परिवहन पाई ब्रिटिश मान द्वारा खोला जाइतला। एथिरे कृषि उत्पादित द्रव्य खाद्य पदार्थ अन्यान्य नित्य व्यवहार जो सामग्री परिवहन करी आखपाख ग्रामर लोक माने उपकृत हो आसते या लोक मान जीवन रेखा भाव में दीर्घ वर्ष धरी काम करी कृषि पाई जलसेचन मत्स्य उत्पादन और व्यापार वाणिज्य पाई यहाँ लोक मैंने व्यवहार कर आसते। वर्षा दिने प्रबल वर्षा हेले वर्षा जल यही केनाल मध्यम निष्कासित हुए ग्रीष्म दिन में रवि फसल पाई केनाल रु जलसेचन हो पार्ला यार गुरुत्व को उपलब्धि करी 2006 मसीह भारत सरकार यहाँ जातीय राजपथ 5 बोली घोषणा कर फल यार पुनरुद्धार विषय लोक मैंने आशावादी हेले मात्र क्रमशः यार अवस्था शोचनीय हो पड़ा। मोट 623 किलोमीटर भितर ओडिशा 532 किलोमीटर अवशिष्ट बंगला रे प्रवाहित होउछि। बालेश्वर भद्रक समेत यह ओडिशा 8 जिला मध्य गति करिछि। एबे यार अधिकांश अंचल पोती हो कारण जलर प्रवाह बाधाप्राप्त होती वर्षा जल निष्कासन संभव न होवारु चाषी माने और गाई गोरु घोर समस्या सम्मुखीन होती रक्षण बेक्षण अभाव केनाल भितरे बणुआ घास और दल भर्ती हो पाइप गुड़िक बंद हो जाइथिबारु स्वास्थ्य संकट देखा दैछि। यार पुनरुद्धार पाई मुझे बारंबार विभाग मंत्री को चिठी लिखी अच्छी अनेक लोक और संस्था आंदोलन करुछंती पुनरुद्धार हेले उपकूल ओडिशार लोक उपकृत हुए एथिरे धान कोईला खाद्य पदार्थ अन्य सामग्री परिवहन कम खर्च रही सड़क कम हाँ मत्स्यजीवी मान उपकृत हुआ।